डॉक्टर साहब, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड टर्न अराउंड मैनेजमेंट की आपने बात की और पाकिस्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के प्रोसेस को हम बड़े अरसे से जानते हैं। हमारा ड्रीम है, ख्वाहिश है कि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू पाकिस्तान में बड़ा रिवोल्यूशन लाया जाए। हाउ इज़ इट पॉसिबल और उसका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, दो तीन चीज़ें इसमें बेसिक उसमें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, एक पेज पे हों। स्टेक होल्डर्स में इंस्टीट्यूशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, इंडस्ट्री है। फिर इसका एक आप सिंपल समझ लें कि इसका एक मैथमेटिक्स की तरह का एक करिकुलम है। इसके मैनुअल्स हैं, इसकी SOPs हैं और बिल्कुल वो दो चार वाली बात है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी दुनिया में होता है ये। फिर इसके डिफरेंट सेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर है। फिर उसके बाद आपका जो इंडस्ट्री है एट लार्ज, जो फूड और एग्रीकल्चर से देखती है, इंजीनियरिंग की जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो उसको देखती हैं, टेलीकॉम की है। ये सारे प्रोसेसेस जो है ना, ये इसके आप कह लें चैप्टर्स हैं पूरी दुनिया में। वो हैव चैप्टर्स ऑफ टर्न अराउंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की MA के चैप्टर्स हैं। हम पाकिस्तान में उसका पहला चैप्टर बना रहे हैं, मैं उसका फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इसमें एकेडमिया को भी शामिल किया जाए, इंडस्ट्री को भी शामिल किया जाए और जैसे आज हमने PEC और इस तरह के जो रिलेटेड इदारे हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनको भी शामिल किया जाए। क्योंकि जब तक ये तीनों एक पेज पे नहीं बैठेंगे उस वक्त तक ये काम नहीं होगा। 50% ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ज़्यादा बंद पड़ी। 50% में बड़ा मतलब एक हम्बल फिगर दे रहा हूँ आपको। उसके रीज़न पॉलिटिकल भी हैं, उसके रीज़न जो हैं फाइनेंशियल इकोनॉमिकल भी हैं। प्रोडक्ट हमारी पुरानी हो चुकी हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में हमारा जो मेथडोलॉजी है या हमारी जो मशीनें हैं वो बहुत पुरानी हैं। आप उन मशीनों को आप फेंक नहीं सकते। हमने एक एक्सपेरिमेंट किया फैसलाबाद में कि मेरे कज़न हैं, उनकी एक पावर लूम का सेटअप था, उसको एनर्जी कंजर्वेशन में उन्होंने मशीनों की मोटरें चेंज करके हाई पावर और लो एनर्जी मोटरें उन्होंने रिप्लेस की उसकी, तो वो एक चेंज आ गई उसके अंदर। ये मैं बेसिक चीज़ें आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप उसको मिसाइल टेक्नोलॉजी पर ले जाते हैं या PEC कामरा में ले जाते हैं, HMC टेक्सला में ले जाते हैं या और इस तरह के जितने स्ट्रेटेजिक इदारे हैं हमारे, उसमें हम ये काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि हम पब्लिक में शेयर नहीं कर सकते कि जिसके अंदर हमारे जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं वो काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया ये करती है। इसमें एक सवाल आता है कि क्या ये लीगल है? आंसर इज़ येस। अमेरिका में और कनाडा में दिस इज़ अ लीगल प्रॉस्पेक्ट। अगर आपने वो प्रोडक्ट जिसको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है वो आपने लीगल तरीके से खरीदी है, उसमें ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर वो प्रोप्राइटरी होते हैं या जैसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं या वैसे और इस तरह की चीज़ें हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस वक्त, जिसके अंदर इसकी ज़रूरत है रिवर्स इंजीनियरिंग की। उसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। पाकिस्तान में कोई 240 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें 130 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में वाशिंगटन अकॉर्ड की हम बात करते हैं, OBE की बात करते हैं, आगे दुनिया में CBE जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आ चुकी है। अब अगर हमने 20 साल पहले OBE सीखनी है, जब हमारी यूनिवर्सिटियाँ टनों के हिसाब से कागज़ उसके ऊपर जाया करके ट्रेंड होंगी, फिर हम कहेंगे नहीं ये पुराना हो गया, अब आप CBE पे आ जाइए और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आपके वो प्रोसेसेस जो पहले से चले हुए होते हैं, आप ये देखते हैं कि इनमें से किन किन प्रोसेसेस को हम एज इट इज़ उठा के ट्रांसपोर्ट कर लें अगले मॉडल में, किन को हम मॉडिफाई कर लें। कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत इसी एग्जांपल देता हूँ कि जो आपका PIA का टिकट बनता था पहले, उसकी एक जैकेट की जो कॉस्ट है, एक टिकट जो आप कैरी करके जेब में डाल के कार्बनाइज पेपर पे, और वो 10 लाख रुपए का प्रिंटर हमारे ये जो दोस्त हैं कराची में ये बेचते थे, वो 700 रुपए का एक टिकट पड़ता था खाली कागज़ आपको। आज आपको क्या है, आप भले मोबाइल पे भी ना दिखाएं, आप 5 डिजिट का वो जो उसका PNR नंबर है वो किसी भी एयरपोर्ट पर जाके दिखा दें। अच्छा, अब वीज़ा आपको दुबई में जाके फिजिकली दिखाने की जरूरत नहीं है, वो आपकी फेशियल रिकग्निशन से देख लेते हैं कि अच्छा ये बंदा है तो इसका ये वीज़ा ऑलरेडी उनके पास है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप एयरलाइन इंडस्ट्री में आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं खुद बैठ के। एयरलाइन इंडस्ट्री को अगर हमने रिवर्स करना है या हमने उसको बेहतर करना है इन अदर वर्ड्स, तो हमें देखना है कि हमें किन रूट्स पे काम करना है। अभी हमने तुर्की के साथ मिल के टर्किश एयरलाइन के साथ PIA ने काम किया है, एक महीने में 2 अरब रुपये कमाए, ठीक है। तो हु इज़ स्टॉपिंग अस? ओनली आर मेथडोलॉजी, मेंटल स्टेट। उसके बाद हमें ये पता है कि हमारे जितने गल्फ कंट्रीज़ में लोग हैं वो जब पाकिस्तान आते हैं तो उनको 50-60 किलो सामान लाना होता है अपने घर वालों के लिए, तोहफे तायफ होते हैं। तो फॉर दैट पर्पज़ यू नीड वाइड बैली एयरक्राफ्ट।
अब जहाज़ आपको किस रूट पे चाहिए, जैसे पाकिस्तान में हम छोटे तुरबत जाते हैं, गवादर जाते हैं, तो वो ATR में जाते हैं, बाकी बड़े जहाज़ होते हैं, 450 वाला भी है, फिर 777 है, बोइंग है। अब ये सारी चीज़ें हैं। पाकिस्तान बड़ा फॉर्चुनेट कंट्री है कि मैंने 1988 में जब सिविल एविएशन को विज़िट किया था अपने यूनिवर्सिटी के इंडस्ट्रियल ट्रिप में, हमने सिमुलेटर उस वक्त देखा था। हम बहुत सारी ना अपनी कमजोरियां लोगों को बताते हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो हम नहीं बताते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्वेस्ट यूनिवर्सिटी नवाबशाह जो है उनके पास जेट इंजन है मैकेनिकल की लैब में, उनके पास पूरा कार का एक रनिंग मॉडल है जो पूरी पूरी बच्चों को सिखाता है। अच्छा, मैंने क्वेस्ट के दूसरे डिपार्टमेंट से पूछा, वो कहते हैं अच्छा हमारे यहाँ तो हमने तो कभी नहीं देखा। मैं देख गया। हाँ ठीक है, मेरे कहने पे देखा है आपने। अच्छा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इसी तरह हेल्थ केयर की बात कर लें, देर आर 200 मेडिकल कॉलेजेस। प्रोजेक्ट्स की बात कर लें तो 200 यूनिवर्सिटियाँ एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, रिसर्च का एक प्रोजेक्ट है। दिस इज रॉन्ग स्ट्रेटेजी। अब शुरू कर दिया HEC ने कि सारे प्रोजेक्ट एक जगह एक पूल में आते हैं, उसमें फिर एक कमेटी है जो उसको देखती है कि रिपीटेशन ना हो, पैसे ज़ाया ना हो, फिर एक काम अगर आगे चलना है उससे आगे, फिर उससे आगे वो कंप्लीट हो जाए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे क्रिकेट की मैं एग्जांपल हमेशा देता हूँ कि प्रोजेक्ट्स जैसे मेहरान के एक बच्चे ने, तलहा ने, जो हमारी हाई परफॉर्मेंस एकेडमी है क्रिकेट की, उसको AI बेस्ड डेवलप किया है। ये जो 5 हमारे चैंपियन हैं इस वक्त, जो दुनिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 प्लेयर्स हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर से उन्होंने ट्रेन किए हैं, उनकी पिछली वीडियोज देख के था। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग में बेइंतहा अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि एक चीज़ दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं जिस प्रोसेस की बात कर रहा था, पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है कि उस सारे पूरे प्रोसेस को स्टार्ट करें, क्योंकि पूरा जो चैन है उसके एक किसी हिस्से पे काम करने से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, बजा फरमाया आपने। जहाँ हमें काम करना होता है सारी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बन जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की अगर 5 यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी हमारे ही लोग चला रहे हैं, उनके वाइस चांसलर्स भी हमारी तरह के ही हैं या दूसरे वाइस चांसलर्स की तरह ही हैं। फंडिंग सबको मिलती है, प्रोजेक्ट सबको मिलते हैं, अटेंडेंस किसी की 75% है, किसी की 80% है, किसी की 95% है। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके बच्चों को 100% जॉब पास होने से पहले मिल जाती है, तो वो भी इसी ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स की बनी हुई है, यही क्लासरूम है, वही अच्छा वही किताबें हैं, वही सिलेबस है, वही करिकुलम है, वही मेथोडोलॉजी है। सिर्फ ये है कि इस वक्त 40% किताबें हैं, 60% जो है ना वो आपकी स्किल्स और आपकी जो बॉडी है, पर्सनैलिटी है, आपका दिमाग है, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स के नाम से भी कहते हैं, हम प्रोफेशनल ग्रूमिंग के हिसाब से भी कहते हैं। हमें अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज में जो बच्चे चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्वर का मतलब खाली सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम नहीं है, लोगों के साथ बैठने की, ह्यूमन इंटरेक्शन की भी प्रॉब्लम है। मैं आपका क्लाइंट हूँ, आपने मुझे सेटिस्फाई करना है, मेरी और आपकी एग्रीमेंट की टर्म्स लिखनी है, तो उसमें आप मुझे कैसे सेटिस्फाई करेंगे जब आपको टर्म्स लिखनी आती होंगी, जब आपको टर्म्स की मेथडोलॉजी पता होगी। हम ये काम नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। 80-90% जो है ना वो हम बस डिग्री दे के बच्चे को भेज देते हैं। आज भी हमने बात की थी कि 1,25,000 इंजीनियर हमारा इस वक्त जॉबलेस है। हमने क्यों प्रोड्यूस किया वो? यूनिवर्सिटियों को नहीं पता कि इनको यूनिवर्सिटी के बाहर कोई नहीं एक्सेप्ट करता। जिसकी ज़रूरत है हमें, मतलब मुझे 1,25,000 बंदा चाहिए इस वक्त IT का, मेरे जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में उनको ज़रूरत है, 3,000 बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना? तो ये गैप है, सबको पता है। एक यूनिवर्सिटी है दैट इज फास्ट, उसने अपने 7 सेक्शन बंद किए हैं मैनेजमेंट साइंस के, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने बंद कर दी क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वक्त। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर साइंस के अंदर स्पेशलाइजेशन डाल दी है, जिसमें AI है, IoT है, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंस है, ब्लॉकचेन है, जिसकी हमें मार्केट में ज़रूरत है। फिर हेल्थ केयर जो है वो AI बेस्ड हो गया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट उस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में हम समझते हैं कि ड्रोन का मतलब है कि स्प्रे कर दो, भी एक अच्छी चीज़ है, जल्दी हो जाता है, कम टाइम लगता है, कॉस्ट कम आती है उसकी। इसके अंदर जो मॉडर्नाइजेशन है, तो हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस करना चाहिए, बिकॉज फोर्टे है हमारा, 73% पॉपुलेशन हमारी गाँव देहात में रहती है, वो इस बिज़नेस से रिलेटेड है, इस बिज़नेस की वजह से हम जिंदा हैं। हम जिस खत्े में हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो वो यहाँ क्यों आए थे? सोने की चिड़िया थी, एग्रीकल्चर था हमारा। मोहनजोदड़ो से लेके हड़प्पा और टेक्सला और ये सारी तहजीबें देखें तो ये दरिया के किनारे हैं, एक साइड पे शहर हैं, दूसरे साइड पे खेती बाड़ी है, दरिया अपना रुख बनाता है। हमने उसको चेंज किया, हमने दूसरी तरफ घर बनाए, कॉलोनियाँ बनाई, आपने देखा सिंध का क्या हशर हुआ। अभी तक मैं कल रात को वापस आया हूँ 2 बजे, पूरे सिंध के अंदर जो है अभी भी पानी खड़ा है। सो ये वो एरियाज हैं जिनको कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग में लेके आना चाहिए, टर्न अराउंड मैनेजमेंट में लेके आना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे, PIA, पाकिस्तान स्टील और जितने इदारे हमारे प्राइवेट सेक्टर में
एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन हैं या ये हमारे जो गदू नमाजी और इस तरह की जो इंस्टीट्यूशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को इसके अंदर बड़ा रोल अदा करना है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को बड़ा काम करना है, HEC को बड़ा काम करना है इसके अंदर, और इस तरह की जितनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनको अपने मिजाज में तब्दीली लानी है, जिस तरह की आज चेयरमैन साहब फरमा रहे थे PEC के कि अब हम बैठते हैं इसके ऊपर और ये काम करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें चेंज आएगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।